हिजाब हटाओ, हिजाब के बारे में भी उन्होंने ही बोला था। ये बदलाव आप मुझे क्या कर रहा है बीजेपी वालों ने या क्या कर रहा है झाड़ू वालों ने, कांग्रेस ने करा है सब कुछ। एमसीडी चुनाव है और लगातार आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो चाहे ओवैसी की पार्टी हो, लगातार सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। 4 तारीख को वोट होना है और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाना है, लेकिन उससे पहले जो मोहल्लों के हालात है, आज पड़ताल करने पहुंचे हैं हम न्यू जाफराबाद की ये जो कॉलोनी है जनता कॉलोनी, वहां पर आज हम पड़ताल करने पहुंचे हैं। तमाम लोग यहां पर खड़े हुए हैं, ये आम जनता है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन यही हमें प्रत्याशी भी मिल गए हैं तो ये लगे हाथ हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी इन्हीं लोगों से जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, यहाँ पर आप रहते हो? यस। कब से रह रहे हो? मेरी पैदाइशी यहाँ की है। अच्छा, ये जो आपने डाला हुआ है तो पार्टी की तरफ से है या फिर? ये पार्टी की तरफ से तो नहीं, मैं फिलहाल आम जनता बनकर ही आपसे बात कर रही हूँ जी। अच्छा, आम जनता होते हुए आप ये बताइए यहाँ के हालात कैसे हैं, सड़कों के हाल कैसे हैं, सीवर नाले कैसे हैं, यहाँ पर कितने टाइम से जो निगम पार्षद है ये सब का बताइए आप। मैम यहाँ के सबसे ज्यादा बुरी हालात है यहाँ के, ये जनता कॉलोनी एक नाम, मतलब एक नाम ही चलता रहा है, सिर्फ काम कुछ नहीं होता यहाँ पे। कोई भी हो, निगम पार्षद हो, यहाँ के MLA हो, किसी भी पार्टी से हो, यहाँ कोई काम नहीं होता, सिर्फ वोट के टाइम पे वोट लेने के लिए आते हैं, कोई काम नहीं करता यहाँ पे। अच्छा, यह सड़कों की मैं अभी देख रही हूँ बदहाली बहुत बुरी है, कचरों का ढेर भी मैं देखती हुई आ रही हूँ। तो ये जो 15 साल से सत्ता में इसमें MCD में जो है BJP की सरकार है, तो कभी भी निगम पार्षद आया यहाँ पर? नहीं मैम, कोई नहीं आता यहाँ पे, सिर्फ मैंने आपसे बताया कि वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं हर 5 साल में, उसके बाद में कोई यहाँ पर आता ही नहीं है कि जनता किस हाल में है, जनता के साथ क्या हो रहा है। जैसे कि आप जानती हैं पिछले दिनों यहाँ पे दंगे भी हुए थे, जहाँ तक आपको पता होगा, तो उसमें भी यहाँ पर कोई भी हालात जानने के लिए नहीं आया कि किसी के साथ क्या व्यवहार हुआ या किसी के कहाँ चोट लगी, क्या दंगों में कोई पीड़ित हुआ, कुछ जानकारी लेने कोई नहीं आया। तो यहाँ की पब्लिक ने, यहाँ की जनता ने खुद ही ये हाल झेला है और खुद ही अपने आप को संभाला है। अच्छा, केजरीवाल जी बोलते हैं भैया हम लोग तो उसके साथ है जो हमारे साथ है और जो दलित है, मुस्लिम है, हम उन लोगों के साथ हैं जो मतलब अन्याय जिनके साथ हो रहा है। मैम आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हालात है, किसके साथ कौन है, आपको मैं अभी यहाँ के हालात दिखाऊंगी, आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे कि यहाँ के हालात, जनता कैसे यहाँ का सामना कर रही है किसी चीज का। और रही बात केजरीवाल जी की, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो गलत बोल रहे हैं या सही, आपको खुद जाना चाहिए कि अगर वो मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि बीच में कोई मुद्दा उठा था कि हिजाब हटाओ, हिजाब के बारे में भी उन्होंने ही बोला था। तो फिर ये बताइए कि हम कैसे मान लें कि वो हमारे साथ हैं? हमारी पहचान यही है और हमारा पहनावा यही है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बोला कि स्कूल में लड़कियां एंट्री देंगी उससे पहले वो हिजाब उतारेंगी, और उन्होंने बोला कि यूनिवर्सिटी लड़कियां जाएंगी तो हिजाब उतारेंगी। तो हम ये कहना चाहते हैं उनसे, क्या आप बोलते हैं कि मुस्लिमों का आप साथ देते हैं, दलितों का आप साथ देते हैं, कैसे दे रहे हैं आप साथ? आप तो उनके स्कूल में अगर हिजाब पहनकर नहीं जाने दे रहे हैं या हिजाब, तो ये तो आपका मजहबी है ना? जी बिल्कुल। हाँ, तो नहीं पहन के जाने से क्या प्रॉब्लम है और पहन के जाने से क्या है? नहीं, ये हमारा रूल है, हमें पसंद है, हमें नहीं, हम नहीं जानते कि सामने वाला बंदा क्या पहन रहा है क्या नहीं, हमें उस चीज से कोई इशू नहीं है, लेकिन हम जो पहन रहे हैं वो सामने वाले बंदे को इशू नहीं होना चाहिए कि हम क्या पहन रहे हैं और क्या नहीं। तो उसी चीज को मैं बोलना चाहूंगी कि चाहे वो हमारा मजहबी हो, चाहे हमारे किसी भी तरीके को, हमारे पहनावे को किसी भी तरीके से गलत ना ठहराया जाए और उस पर रोकथाम ना लगाई जाए। नहीं, वो मतलब ये बताया जा रहा है ना कि लगातार भैया हिजाब पहन करके जो है बहुत ऐसे केसेस भी आए हैं कि गलत भी हो रहा है। नहीं हो रहा है, वो बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आपको उस चीज से क्या मतलब है कि क्या हो रहा है क्या नहीं? सब लोग एक से नहीं होते, आपको पता होगा 5 उंगली बराबर नहीं होती। तो हम लोग ये बोलना चाहेंगे सिर्फ के आप किसी भी चीज पर ऑप्शन ना उठाएं और हिजाब पर भी ऑप्शन ना उठाएं, क्योंकि सभी लड़कियां या सभी लड़के एक से नहीं होते। ठीक है, वही चीज़। क्या नाम है आपका? अच्छा चलिए, और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? काजल। आप भी आ जाइए, क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी, आप बतौर कार्यकर्ता है या जनता है? मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है, ये कौन सी? कांग्रेस जी, कांग्रेस से। तो आप यहाँ पे अभी प्रचार कर रहे हैं, आपको लगता है कि कांटे की टक्कर है बीजेपी और आप में, तो कांग्रेस आ पाएगी यहाँ पर? बिल्कुल आएगी, क्योंकि अभी हम जैसा हाल देख रहे हैं और रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिल रहा है, सब हमारा साथ दे रहे हैं, सब उन दोनों पार्टियों से दुखी हैं, इस वजह से हमें लगता है हम ही आएंगे। अच्छा, कारण क्या है कि भाई कांग्रेस आनी चाहिए, क्या रहेंगे आपके मुद्दे? वही कि
इधर उधर सारे में गंदगी पड़ी हुई है, कोई इनका हाल नहीं देखता, कोई इनको इनकी किसी चीज का ध्यान नहीं रखता। रोजगार नहीं, रोजगार सब खत्म हो चुका है। जैसा कि आपको पता है कि अभी अभी कुछ बीच में कुछ लोगों ने, कुछ लड़कियों की भी न्यूज आई थी कि वो आईटीआई करी हुई है, बीए करी हुई है, ग्रेजुएशन, हाई ग्रेजुएशन सब कुछ उन्होंने किया हुआ है, डिग्री उनके पास है एक से एक, लेकिन वो सिर्फ चाय पकौड़े तल रही है। तो वो क्यों हो रहा है ये बताइए, ऐसी सरकार को रखकर हमें क्या करना है जो हमारे किसी काम की नहीं है। रोजगार मोहर किस पे लगेगी? मोहर हाथ पे लगेगी इस बार, हाथ पे लगेगी, बिल्कुल हाथ पे लगेगी, जोर शोर से लगेगी। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी, आप बतौर प्रत्याशी खड़ी हुई है, मुझे लगता है महिलाएं ज्यादा दिख रही हैं, क्योंकि अब तक मैं कवर कर रही हूँ एमसीडी में, चाहे केजरीवाल की तरफ से हो, तो महिलाएं मुझे ज्यादा दिख रही हैं। क्या अब महिलाएं वाकई में घर के चूल्हे चौके से बाहर निकल चुकी हैं? जी बिल्कुल निकल चुकी हैं। आप जो औरतों के साथ हो रहा है वो आप भी जानते हैं और ये जनता जानती है, वो आपको खुद बता रही है कि क्या हो रहा है। कोई सरकार कुछ नहीं कर रही औरतों के लिए। आदमियों की बात छोड़ो, मैं एक नॉर्मल बात करती हूँ कि घरेलू, मैं भी घरेलू महिला हूँ। मैं अगर यहाँ पर आई हूँ तो मैं ये सोच कर आई हूँ कि मेरे को इन सबका साथ चाहिए और हम लोग मिल के काम करेंगे। इनकी परेशानियाँ मेरी परेशानियाँ, क्योंकि ये सब मैं भी फेस करती हूँ घर में, गंदगी, गंदा पानी, हर चीज़ मैं फेस करती हूँ। और यहाँ की जो हालत है वो आप आगे जाइए, आप देखिए इतना पानी भरा हुआ है, इतना गंदगी, इतने इतने कूड़े के ढेर हैं कि आप लोग वहाँ से निकल नहीं सकते, दुकान वाले बाहर नहीं निकलते, और बीमारियां, नालियां भरी पड़ी हैं, मच्छर इतना है, इतनी बदबू है। अगर यहाँ पर जो पिछले पार्षद थे, जो पिछले पार्षद थे हमारे यहाँ के बीजेपी से थे, आप इन सबसे पूछिए क्या उन्होंने कभी चेहरा दिखाया अपना? कभी नहीं, हम तो उन्हें जानते भी नहीं है कि वो सिर्फ आए थे यहाँ पर एक जीत हासिल करने, वोट मांगकर जीतकर वो चले गए हैं, उन्हें किसी ने नहीं देखा दोबारा। इन लोगों ने पता नहीं कितनी उनसे रिक्वेस्ट की होंगी, कितनी एप्लीकेशंस लगाई होंगी, बट कोई इन लोगों के लिए आगे नहीं बढ़ा। तो अब कारण क्या होना चाहिए कि कांग्रेस आएगी? कांग्रेस बिल्कुल आएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमारा उनसे कोई टक्कर है। विपक्ष तो कहीं पर दिख नहीं रहा है। देखिए ना, हम उनसे इस टाइम, हमें नहीं लगता कि वो हमारे सामने कुछ भी है। कांग्रेस पार्टी नहीं ये वाली, जे जनता कॉलोनी को बसाने वाली कांग्रेस पार्टी है। HKL भगत जी हैं जिन्होंने इस कॉलोनी को बसाया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आप बोल रही थी कुछ? अरे मैं कुछ नहीं, हॉस्पिटल्स का बता रही थी अभी। अरे ये बोल रही थी जैसे कि गंदगी इतनी कर रखी है, सब में कचड़ा कर रखा है, बच्चे बीमार होते हैं, इसकी साफ सफाई नहीं होती, चार दिन में, पाँच दिन में बुलाया जाता है, जब कचड़ा उठवाया जाता है तो हारी बीमारी होती है तो अस्पताल में लेके भागते हैं। निगम पार्षद बीजेपी से है जी, है ना? तो तभी तो दमखम दिखा रही है। आप आम आदमी जो पार्टी है वो यही तो बता रही है, मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने खोला है, स्कूल मॉडल बता, 10 गारंटी कार्ड बता रही है, तो आपका भी दमखम है। कैसा है बता दीजिए, गद्दे का बना हुआ मोहल्ला क्लिनिक कैसा है यहाँ पे? इतना तो मैं नहीं जानती हूँ, नहीं जानती। दो गोलियाँ देते हैं वो लोग। स्कूल जो है, स्कूल मॉडल बता रहे, सरकारी स्कूल्स के मॉडल्स बताए जा रहे हैं 10 गारंटी कार्ड में। स्कूल वगैरह तो बने हुए हैं। अभी आप बोल रही थी और अभी आप बोलना नहीं चाह रही हैं। देखिए जनता का ना ये बता रहे हैं आपको, ये बदलाव आप मुझे क्या करा है बीजेपी वालों ने या क्या करा है झाड़ू वालों ने? कांग्रेस ने करा है सब कुछ। कांग्रेस ने क्या नहीं करा है? पूरी कॉलोनी बसाई। कांग्रेस ने औरतों का इतना साथ दिया है, बेहिसाब साथ दिया है। बताओ इन लोगों ने क्या करा आज तक? कभी झाके नहीं है। क्या करा मैं आपका? मेरा नाम शादमा है। यही रहती हैं जी? कब से रह रही हैं? मैं यहाँ पे, मैं पैदा ही यही हुई हूँ, समझ लो पैदा ही यही हुई है, तो आपको तो यहाँ के हालात अच्छे से पता होगा। तो कह रही कांग्रेस के राज में बहुत अच्छा था और अब रो रहे हैं, ये समझ लो। अच्छा, ये जो गारंटी कार्ड बता रही है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर है भाई जी। तो अभी रैली भी निकली है सीएम साहब की, मनोज सिसोदिया भी आए हैं, अभी यहाँ पर भी होने वाली है जनसभा। तो जो टक्कर बताई जा रही है 10 गारंटी कार्ड में, स्कूल मॉडल बताए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बताया जा रहा है, बसेस फ्री करी गई है महिलाओं के। मोहल्ला क्लिनिक जाके देखो ताला पड़ा हुआ है वो रहा। आप देखिए जाके उधर जाके झाड़ू हम खुद लगाते हैं रोड पे, हमारा घर वही है, हम खुद लगाते हैं, वीडियो बना बना के छोड़िए सबने झाड़ू कूड़ा इतना पड़ा हुआ हमारे दरवाजे के आगे। आप देखिए जाके जरा, डेंगू हो गया हमारे घर में। अब बताओ ये गंदगी है जब ही तो हो रहा है, हम इतने परेशान। डॉक्टर्स वगैरह नहीं है, ताला लग रहा है। आप देखिए जाके ताला लग रहा है, आप देख सकती है कहाँ पर है यहाँ से, ये आगे को थोड़ा सा। अभी हम आपको मोहल्ला क्लिनिक के भी हालात दिखाएंगे, अभी पहले जनता से रूबरू हो जाए। आप देखिए पहले जाके स्कूल्स के हालात क्या है, सरकारी स्कूल स्कूल में पहले से तो खैर बहुत बेहतर है, लेकिन स्कूल में जो बच्चों को सुविधा मिलनी चाहिए कुछ नहीं मिल रही है।
नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रही है। जो हमारी बच्ची तो आते हैं वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है, और बच्चे ज्यादातर आधी जैसे लंच टाइम होता है बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं। कंडीशनर क्लासेस कर दी गई है, स्विमिंग पूल दी। मैम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्कूल के हालात देख सकती हैं, कुछ नहीं है वहाँ पर। ये समझ लीजिए आपके जैसे कि टीचर्स यहाँ पे क्लास लेते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स क्लास लेते ही नहीं है, स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं वहाँ पे, सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। बसेस तो फ्री मिली रही है अभी तक। बसेस में फ्री ऐसी फ्री जाते भी नहीं है, उन बस फ्री हूँ मैं। जो बेचारे बस में सफर नहीं कर सकते वो कैसे बस में जाएंगे? ₹5 किसी के लिए कोई भारी नहीं है, ₹5 सब दे सकते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अमरीन है। अमरीन यही रहते हो? हाँ मैं यही रहती हूँ। कब से रह रहे हो यहाँ पे? मेरी पैदाइशी यही हुई है। अधिकतर लोग यहाँ पे पुराने ही के लोग हैं और यहीं रहते हैं, और पक्के कांग्रेसी हैं। कांग्रेस ने हमेशा हर कांग्रेसी, एक सेकंड, कांग्रेसी हो इसलिए कांग्रेस की बात कर रहे हो? नहीं है, ये जनता कॉलोनी ही बसाई हुई कांग्रेस की है, ये जनता कॉलोनी ही बसाई कांग्रेस की है। उसी का तो नाम लेंगे, आप ये बताइए, आप ये बताइए जिन नगर उसी का तो नाम लेंगे? ये बताओ, जब उनने शीला दीक्षित ने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए, जो बात है सोनिया गांधी ने करा, दवाई देते राज में हम बहुत सुनते थे। और यकीन मानना आप बाहर निकलते में डर लगता है, लड़कियां हमारी सुरक्षित नहीं है, बेटियां नहीं जा सकती हमारी कहीं पे, छेड़छाड़ होती है। आपको, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं कि देखिए आप इसको दिखाइए, ये यहाँ का पार्क के अंदर ग्राउंड है, पार्क ये बहुत सारे फोटो यहाँ पर है, ये पार्क हमने खुद ने बच्चों को लेके खुद सफाई करी अपने पार्क की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक है, मैं यहीं पर रहती हूँ जी। कब से रह रही हो यहाँ? मैं जब से यहाँ से पैदा हुई जब से मैं यहीं पर रहती हूँ। अधिकतर लोग वही है, मतलब बसावट वही। ये मैंने बहुत सारे फोटोज है, मैंने खुद ने बच्चों को। हो आप लोग जी? आप लोग पढ़ते हैं सभी? जी कॉलेज में क्लास 50 साल की मैम, कॉलेज में पढ़ते हैं? स्कूल कॉलेज में जाती हूँ मैं, स्कूल में जाती हूँ। मैंने खुद ने गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में मैंने कैसे हालात है वहाँ के गवर्नमेंट मैम? बहुत ज्यादा खराब हालात है, जैसे कि मैं आपको बता पा रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये लोग पहले से जीत के आ रहे हैं, स्कूल में पढ़ते हो आप तो बेहतर जानते होंगे स्कूल के हालात कैसे हैं। मैम स्कूल के हालात ऐसी हैं, लेकिन पार्क का आप एक बार जाके देख सकते हो, अब भी बहुत गंदगी होगी। पार्क में 24 घंटे ताला रहता है, एक्सरसाइज वगैरह की हैंगे, लेकिन एक्सरसाइज की मशीन वगैरह तो लगी हुई है, लेकिन पार्क खुलता नहीं है। ये पार्क बंद ही रहता है। तो अभी ये लोग जो बता रहे मोहल्ला क्लिनिक भी बता रहे, मैं आपको दिखाऊंगी और पार्क के हालात देख लेते हैं पहले। तो ये जनता है लेके चल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, यही न्यू मुस्तफाबाद, और आपको मैं दिखाऊंगी। अभी ये जनता की बात और आवाज उठाई है यहाँ पे न्यू मुस्तफाबाद में, मैं जनता कॉलोनी में हूँ और मैं चल रही हूँ। और अभी मेरे को, मैं दूसरी वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वहाँ के हालात क्या है, मोहल्ला क्लिनिक के हालात क्या है, जितने दावे वादे लगातार सरकार कर रही है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, न्यू मुस्तफाबाद, दिल्ली।